हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब के दुनिया में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो का ऑनलाइन टिकट बुक करना सीखेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो का ऑनलाइन टिकट बुक करना सीखेंगे, जो बिल्कुल इजी है। और इस ऐप को आप बिल्कुल इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद एक मिनट लगेंगे आपको। लाइन में घंटों भर खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक क्लिक करोगे, आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपका जो है क्यू आर कोड जो है जनरेट हो जाएगा, उससे आप स्कैन करके जा सकते हो। सो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर गाइज चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और गाइज बगल में बेल आइकन आएगा, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दे। और गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना। और गाइज, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो दिल्ली में रहते हैं। सो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, फाइनली आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा DMRC ट्रेवल, ये जो है ऐप आपको डाउनलोड कर लेना होगा। आप गाइज देख लेना, ये ऐप जो है ओनली फॉर दिल्ली के लिए है, आप दिल्ली में ही इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसे आप साइन अप कर लेना, साइन अप करने के बाद ID पासवर्ड वगैरह बना लेना। उसके बाद गाइज आपको सिंपली से क्या करना है कि ये एप्लीकेशन को फिर से लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको अगर जहाँ जाना है, मान के चलो मैं छतरपुर से सरोजनी नगर जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं छतरपुर से सरोजनी नगर, इसमें डिपार्चर फ्रॉम और डेस्टिनेशन दोनों में मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपना ऐप से कर सकते हैं। तो छतरपुर येल्लो लाइन है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन यहाँ पे सरोजनी नगर है, तो सरोजनी नगर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बुक टिकट पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। बुक टिकट पे क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पे आ जाएगा इसका फेयर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 30 रुपीज़ दिखा रहा है। अब जैसे ही इस पे बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट योर पेमेंट गेटवे, पेटीएम से ही आपका जो है ये पेमेंट होगा, और प्रोसीड टू पे इस पे सिंपली से क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं प्राइवेसी के कारण ये जो है ब्लैक शो हो रहा है, जो कि बैंक अपना जो है प्राइवेसी को लीक नहीं करने के लिए इसे ब्लैक कर देते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी जो है ये ब्लैक शो हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर बाद आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका टिकट भी बुक हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा टिकट बुक हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, जो मेरा टिकट बुक हो गया है, कुछ इस तरह से जो है आप लोग अपना दिल्ली मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हैं बिल्कुल एक सेकेंड में। गाइज, अब हम बताते हैं आपको किस तरह से आप यहाँ पे अपना टिकट देख सकते हैं। गाइज चलिए, यहाँ पे जो है सेकेंड में लोकेशन मैप आ रहा है, और थर्ड में आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है थर्ड वाले ऑप्शन पे, और इस पर क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आपका व्यू टिकट करेंगे तो आपका टिकट आ जाएगा। बट यहाँ पे ब्लैक इसलिए शो हो रहा है, DMRC जो है इसे प्राइवेसी के कारण इसे ब्लैक कर देते हैं, ताकि QR कोड दूसरा कोई ना देख सके। गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूले। और गाइज, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और गाइज अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आपको घंटों भर दिल्ली मेट्रो स्टेशन में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है टिकट लेने के लिए, अब बस एक मिनट लगेंगे, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जाकर के आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइज, अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 1 आवर का वैलिडिटी देता है, 1 घंटे के अंदर में ही आपको जो है निकल जाना है वहाँ से, मतलब वहाँ से मेट्रो ले लेना है। अगर 1 घंटे के बाद जाते हैं तो वो उस QR कोड का जो है वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।